हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम जीओसी के सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज रेजोनेंस, क्या होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि 11th से लेकर हम बीएससी तक इन टॉपिक्स की स्टडी करते हैं और ये जीओसी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम और आगे पढ़ते हैं तो ये यूज होते हैं। कहीं पर रेजोनेंस होता है, कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कहीं पर हाइपर कॉन्जुकेशन होता है, तो इनकी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी इंडक्टिव इफेक्ट की और आज हम स्टडी करेंगे रेजोनेंस। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस का मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंपाउंड। मीन्स इसका ये होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो कंपाउंड के अंदर ही होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर्स विद इन द कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये सिंपली रेजोनेंस की डेफिनेशन है कि रेजोनेशन होता क्या है। तो रेजोनेंस होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट वो भी कंपाउंड के अंदर ही, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर माइनस लगा। इस माइनस का मीन्स होता है टू इलेक्ट्रॉन्स या फिर इसको हम लोन पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब हमें ये देखना है इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर, मीन्स लोन पेयर्स का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये लोन पेयर है। क्या ये लोन पेयर यहाँ पर आके बॉन्ड बना सकता है? तो बना सकता है क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कितने दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये CH2 है हमारा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। यहाँ पे क्या है, CH2 है। अब यहाँ पर अगर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी जो कि नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर और यहाँ पर इसके ऊपर ये माइनस चार्ज आ जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर की शिफ्टिंग हो गई। यहाँ पर लोन पेयर की शिफ्टिंग हो गई और यहाँ पर हमारे बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई है। तो इस टाइप से जो शिफ्टिंग होती है या फिर इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इससे क्या होता है, हमारा जो कंपाउंड होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये क्यों होता है, रेजोनेंस क्यों होता है, रेजोनेंस इसलिए होता है ताकि किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। ये अभी हम आगे आपको बताएंगे कैसे कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। तो अभी तो हमने ये समझ लिया कि रेजोनेंस क्या होता है और ये कैसे वर्क कर, एंड इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। मींस ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, यहाँ से इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ठीक है, इसको हम रियल नहीं मानते हैं। ये जो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर आया है इसको हम रियल स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं, ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी। ठीक है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं साइंस में कि ऐसा होता होगा, बट इसका रियल स्ट्रक्चर कौन सा होगा तो अब वो देखते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इनको हम RS भी बोल सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, बट अगर हमें इसका रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने अभी ये वाला हमारे पास कंपाउंड था और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, तो इसको हम लिख लेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आया है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्शियली नेगेटिव चार्ज लगा देंगे और पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पर लगा देंगे, और डबल बॉन्ड हमारा कुछ टाइम के लिए यहाँ पर भी था और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी था, तो इसको हम डेड डैश से शो करते हैं कि हमारे डबल बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो
इस टाइप से जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर। ये हमारा इमेजिनरी होता है, बट हाइब्रिड जो बनता है उसको हम बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर। और ये किससे बनता है? रेजोनेंस से ही बनता है। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तभी हमें समझ में आता है कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो रेजोनेंस है ये होता क्या है। अब हमें ये समझना है कि किन किन कंपाउंड्स में रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था, रेजोनेंस किस में होता है? जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर लोन पेयर्स की। तो यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड है तो हम क्या सोचेंगे कि ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा? तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की कुछ कंडीशंस होती हैं। वहीं पर वही कंपाउंड सिर्फ रेजोनेंस को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो अब वो कंडीशंस क्या होती हैं? तो उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। ठीक है, जिन कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है उन्हीं में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो कॉन्जुगेशंस क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है पाई सिग्मा और यहाँ पर बैकेंड ऑर्बिटल। ठीक है, पाई मीन्स क्या होता है? पाई बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और एक वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं हम वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम इस चीज का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, लेकिन कितनी है? 3 है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है? तो हम पहली कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे, क्या इसमें पाई बॉन्ड है? तो हाँ, इसमें पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड भी है, यही ऑर्डर होना चाहिए इसका। और वैकेंट ऑर्बिटल है तो हाँ है, इस पे प्लस चार्ज है या फिर इसकी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा? तो इसमें रेजोनेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, बट ये डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस टाइप से? यहाँ पे हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमारा आ गया CH2। यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस किन कंपाउंड्स में होता है? जिनमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या होती है? पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड के बाद वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती है, और भी कंडीशंस होती हैं। तो अब हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास पाई सिग्मा लोन पेयर। जैसे यहाँ पे बैकेंड ऑर्बिटल थी तो लोन पेयर अगर होगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो जाएगा, तो रेजोनेंस भी पॉसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लोन पेयर दिया हुआ है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, तो इसमें भी कॉन्जुगेशन है, तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे। थर्ड कंडीशन है हमारे पास पाई सिग्मा पाई। अगर किसी कंपाउंड में ये ऑर्डर है, पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो उसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल होता है। फोर्थ कंडीशन है हमारे पास पाई सिग्मा और डॉट। डॉट क्या होते हैं? ये होते हैं फ्री रेडिकल्स। मींस जनरली कैसे होते हैं? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अगर ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो उसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल होगा।
ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि जिन जिन में कॉन्जुगेशन होता है उनमें ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। अब हम और एग्जांपल्स करके देख लेते हैं कि किस टाइप से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है इस टाइप से, एक ये और यहाँ पर ये। तो अब हमें इस कंपाउंड में देखते हैं क्या इसमें रेजोनेटिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, पाई हो, सिग्मा हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पे पाई भी दिया हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड दिया है, ये वैकेंट ऑर्बिटल दी हुई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो अब किस टाइप से रेजोनेंस होगा, यहाँ पर वैकेंट है तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इस टाइप के एरो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इस टाइप से इसको बना लेंगे और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये वाला जो हमारा चार्ज है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो चार्जेस होते हैं वो न्यूट्रल रहने चाहिए या फिर बराबर रहने चाहिए। इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था, मींस इस पे एक चार्ज प्रेजेंट है। जब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो इस पे भी एक चार्ज प्रेजेंट है, मींस ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सही हो गया, ठीक है। क्या इसमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, नहीं है। अब हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे। तो हाइब्रिड बनाने का सिंबल होता है कि 3 बार ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इस टाइप से बना दिया, हमारा पाई बॉन्ड यहाँ गया यहाँ गया, तो हम डॉट 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 ये कर देंगे और ये जो हमारा चार्ज है एक बार यहाँ पर रहा एक बार यहाँ, तो यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव लगा देंगे और यहाँ पर ही पार्शली पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम HS बोल सकते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा बन गया, हमारा रियल है। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RS है, ये कैसा होता है, इमेजनरी होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हम अपनी कंडीशन देखते हैं कॉन्जुगेशन की। तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन थी कि पाई इलेक्ट्रॉन हो, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा हो और लोन पेयर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पाई भी है, सिग्मा भी है और लोन पेयर भी है, मींस इसमें कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन है तो इसका क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ होंगे। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज था और यहाँ पर भी एक माइनस चार्ज है, मीन्स हमारा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सही हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऐसा कर देते कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा देते तो ये माइनस ये प्लस ये कैसा हो जाता, कैंसिल हो जाता और इसका नेट चार्ज कितना आता, 0 आता। और इस पर हमारे पास क्या चार्ज था, 1 चार्ज था, मींस आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस पर प्लस चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। अब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था तो ये हमारा पार्शियली नेगेटिव हो गया और यहाँ पर भी पार्शियली नेगेटिव हो गया। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आया, तो डॉट डॉट करके यहाँ पर हम बना देंगे। ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा HS हो गया और ये हमारा RS था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से रेजोनेंस पॉसिबल होता है। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे उससे अच्छी तरीके से हमको समझ में आएगा कि रेजोनेंस कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ये कंपाउंड दिया है तो हम सबसे पहले कॉन्जुगेट
मैचिंग देखेंगे इसमें हो रहा कि नहीं हो रहा। तो पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल इस टाइप का हमारे पास क्या था, कॉन्जुगेशन था। अगर किसी कंपाउंड में इस टाइप का कॉन्जुगेशन हो रहा है तो मीन्स उसमें क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसके ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस टाइप से बॉन्ड बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे CH2CH। ठीक है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर एज अ फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर डॉट डॉट और यहाँ पर। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स लगाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतनी ही अच्छी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती जाती है। बुक में इसके आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, तो जब आप उनको सॉल्व करेंगे तब आपको ये खुद से समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो हम इसमें कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो एक कॉन्जुगेशन था पाई सिग्मा पाई, अगर इस टाइप का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो उसके RS ड्रॉ होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पाई भी है, सिग्मा भी है, पाई भी है, तो इसका कैसे होगा, इसमें कैसे होगा। यहाँ पर हमारे पास कार्बन दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हमें पता है कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, मीन्स कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। और अगर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर अगर माइनस चार्ज आ जाए तो वो कैसी स्पेसी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये किस टाइप से होगा, यहाँ पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर एक है प्लस और एक है माइनस, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, जीरो चार्ज स्पेस ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कैसी हो गई, स्टेबल एंड करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे क्या फर्दर इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर पाई सिग्मा और ये वैकेंट ऑर्बिटल, मीन्स हम इसमें आगे भी रेजोनेंस कर सकते हैं, तो हम इसमें आगे भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर O माइनस, जब यहाँ पर ये शिफ्ट होगा तो इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से हम चेक करेंगे क्या हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बनाया है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा कैसा करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। क्या फर्दर इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो अब इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हम करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो वो सेम ही रहेगा। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हुए, टू हुए। ठीक है, अब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, इसका हाइब्रिड होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, तो यहाँ पर हमारा कैसा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ भी आया, तो मीन सब जगह डबल बॉन्ड भी हमारा मूव हो रहा है, तो ये इसका कैसा HS हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से रेजोनेंस पॉसिबल होता है। रूल्स टू ड्रॉ RS, मतलब कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उनके कुछ रूल्स भी होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। फर्स्ट हमारा रूल है पोजिशन
ऑफ एटम शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज मीन्स आप जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको आप ड्रॉ कीजिए, बट एटम की जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स लिए हैं उनमें हमने किसी भी एटम को कहीं भी मूव नहीं कराया था, मूव क्या कराए थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन्स को ही मूव करा सकते हो, किसी एटम को मूव नहीं करा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड है हमारा टोटल नंबर ऑफ चार्ज शुड बी सेम मीन्स जो नंबर ऑफ चार्ज है वो सेम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक्सेस ऑफ चार्ज नहीं आना चाहिए। अगर न्यूट्रल स्पेस ही है तो उसका जो हम ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर वो भी न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज स्पेस ही है तो उसके ऊपर चार्ज रहना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। थर्ड इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो हमें आरएस ड्रॉ करते समय ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से करना है तो आप वीडियो को देखते जाइए और अपनी बुक से एग्जाम्पल्स लगाते जाइए, इससे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनकी स्टेबिलिटीज हैं, ये हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब हम कोई रिएक्शंस पढ़ते हैं तो इन सारे ही कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत होती है। तो आप इसको अच्छे से घर पर पढ़िए। थैंक यू।